नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। देखा जाए तो आईबी में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो टेक्निकल वैकेंसी है, तो जो बच्चे टेक्निकल फील्ड के लिए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी बीटेक बीसीए वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और बीसीए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर ब्रांच के और आईटी ब्रांच के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है आईबी में जॉब के लिए। आईक्स का जो पोस्ट है, आपका नॉन गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जेआईओ सेकंड ग्रेड सेकंड टेक्निकल पोस्ट है एक तरह से आईबी में। इसका अगर हम बोला जाए तो ये ध्यान रखिएगा, लेवल फोर है इसका। अगर पेमेंट की बात किया जाए पे मैट्रिक्स में, लेवल फोर मतलब 25,500 आपका बेसिक होगा, इस पे आपका 42% डीए लगेगा और भी जो भत्ता है, जैसे बोला स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे, मतलब 20% और आपको क्या मिलेगा, बेसिक पे का मिलेगा यहां पर 25,500 का, डीए भी आपको मिलेगा, तो अच्छा खासा आपका इनकम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देख आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी पर, तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो यहां 325 वैकेंसी है, जनरल की 79, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 215, टोटल 797 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ, अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में किस किस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब आपने डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फॉर्म ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी एलिजिबल है। कौन कौन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा मौका हो गया। बैचलर डिग्री इन साइंस आपके पास है किसके साथ, साइंस में अगर विद आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो और आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या फिजिक्स पढ़ा है या मैथमेटिक्स पढ़ा है फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। कहने का मतलब बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, मतलब आपका जो बैचलर डिग्री साइंस है, जैसे अब हम बात करें कि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होंगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, बीएससी फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, बीएससी मैथमेटिक्स हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। बैचलर डिग्री इन साइंस में अगर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस विद किसके साथ, इसके साथ अगर आपने किया इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या फिजिक्स या मैथमेटिक्स से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। थर्ड क्या बोला गया है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आपने बीसीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो हायर डिग्री तो एलिजिबल होगा ही, एमसीए वाले तो होंगे ही, ऐसा नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बीसीए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। बीएससी आपका मैथ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, ये भी आपके एलिजिबल हैं। डिप्लोमा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका कहीं ना कहीं बीटेक भी एलिजिबल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ दिस एलिजिबल है तो बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे, चांस यही है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 18 से 27 साल आपकी उम्र चाहिए यहां पर, अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 साल फॉर एससी एसटी और 3 साल ओबीसी के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया, 18 से क्या चाहिए, 27 साल चाहिए, ठीक है। ये भी एक ध्यान दे लीजिएगा पॉइंट कि ये ऑपरेशनल पोस्ट है, इज नॉट रिजर्व पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट, दे नॉट नीड टू अप्लाई, ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीडब्ल्यू डी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए नहीं है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड लायबल टू
चेंज हो सकता है, वैकेंसी में बढ़ भी सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है, मतलब बोला बिफोर द क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट कब है, 23/6/2023 को है इसका लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिए। कैंडिडेट शुड हैव अकोमोडेट इन एनी वन ऑफ द 5 एग्जामिनेशन सिटी और अपटेड बाय हिम एंड हर टायर 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। आप कोई भी 5 सिटी चूज कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। और क्या आपके आपके लिए जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ध्यान दे लीजिए, क्या क्या है। कैंडिडेट हैव इंडिकेट 5 ऑप्शन टू चॉइस एग्जामिनेशन सिटी, इसमें से आप 5 ऑप्शन एग्जामिनेशन सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपका, तो देखो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी जो होगी 25 क्वेश्चन होगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग एक तरह से बोला जाए कि रीजनिंग की बात करते हैं। और आपका जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एज फॉर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसा मान लो डिग्री इन मैथमेटिक्स है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड आपके 75% क्वेश्चन होंगे, मतलब 75 क्वेश्चन इसके और 25 इस क्वेश्चन इसके, ये टायर 1 में होगा आपका 100 क्वेश्चन। टायर 2 जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड और टेक्निकल इन नेचर होगा, आपसे हो सकता है कोई टास्क दिया जाए परफॉर्म करने के लिए आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो, 30 मार्क्स का होगा। और टायर 3 जो होगा आपका पीटी होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो 20 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो सिलेक्शन होगा इन सभी टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बेस्ट अवेलेबल टैलेंट दे वुड बी कट ऑफ ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 टायर 1 एग्जाम। बेसिक कट ऑफ आपका दे दिया गया है 35, 34 और 33, 35, ये आपके कट ऑफ हैं, इससे नीचे वाले को तो लिया ही नहीं जाएगा। इससे ऊपर अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर भी मेरिट बनती है, ये एक कैटेगराइज है कि कम से कम इतना तो आपको पाना ही पाना है, ठीक है, यही बात यहां पर की गई है। बाकी इसके बाद से हम बात करें तो आपका यहां पर देखो ओपनिंग जो हो रहा है फॉर्म का वो 3 तारीख से हो रहा है और क्लोजिंग आपका क्या है 23 तारीख है। ऑफलाइन चालान के माध्यम से फीस 27 तारीख तक आप जमा कर सकते हो, आप MHA की वेबसाइट से जाकर इस पे अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैंने जिंदा होता हो गया है वो सब मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, जो आपका नोटिफिकेशन आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई। बाकी यहां पर सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए उसके रिलेटेड यहां पर क्या किया गया है, एक प्रोफॉर्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए वो आपको यहां पर दे दिया गया है, तो आपका सर्टिफिकेशन नया होना चाहिए, ठीक है, इन द सेंस ईडब्ल्यूएस तो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। बाकी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी सेंट्रल का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, एससी एसटी आपका कोई कहीं का भी हो मगर इसी फॉर्मेट पे आपका होना चाहिए तो आपका एप्लीकेबल होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी समस्या होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड उसका समाधान किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर इसका पेपर कैसा आता है, इसका पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों इसके पेपर पर भी हम लोग डिस्कशन करा देंगे, पेपर टीम खोज रही है जैसे ही इसका, क्योंकि ये जनरली मिलता नहीं है पेपर, ठीक है, और कभी कभी एग्जाम होते हैं इन सब पोस्ट के, लेकिन ये बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, जैसे SSC में एक IMD का पोस्ट आया था, बहुत ही अच्छा पोस्ट था, वैसे ही ये भी पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जैसे ही हमें आपके इसके क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे अलग अलग ट्रेड के, लेकिन मेन इसमें आपका टेक्निकल वाला है, जिन बच्चों का टेक्निकल स्ट्रांग है, सब्जेक्ट अच्छी पकड़ है आपकी, मैथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। जो भी हमसे मदद होगी, कंप्यूटर के लिए हमने IMD में बच्चों को मदद किया था, आप लोगों को भी जो कंप्यूटर वाले हैं उनको जो भी हमसे मदद होगी, और फिजिक्स के लिए जो उनको मदद चाहिएगी, मैथ्स के लिए जो चाहिएगा, वो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मदद दी जाए, चाहे वो PDF के माध्यम से हो, चाहे नोट्स के माध्यम से होगा। तो जिन्हें भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हम इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब आप इंटरेस्टेड होंगे
तभी हम जाके आपके बिहाफ पर कुछ काम कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।